गाजीपुर से किरण नाई, वरिष्ठ पत्रकार की खास रिपोर्ट। डीएम साहिबा, अगर मुझे कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार पूरा जिला प्रशासन होगा। पंचायत सचिवालय का काम अधूरा, मुसहर ग्राम प्रधान अधिकारियों से लगा चुका है गुहार। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर ग्राम प्रधान द्वारा जिले के आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई जा रही है कि डीएम साहिबा इन ग्राम सभा में पंचायत भवन अधूरा है। ग्रामीणों को ब्लॉक का चक्कर काटना पड़ता है और हैरानी की बात तो यह है कि भट्टा मालिक, मेटेरियल्स दुकानदार व मिस्त्री ग्राम प्रधान को बेइज्जत कर रहे हैं। ये बात कोई और नहीं बल्कि करंदा के मुसहर ग्राम प्रधान राजेश बनवासी ने अधिकारियों से लिखित शिकायत किया है। ये है पूरा मामला। दरअसल मामला करंदा ब्लॉक अंतर्गत करंदा ग्राम पंचायत में बने अधूरे पंचायत भवन होने से ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ रही है। बीते दिनों ग्राम प्रधान राजेश बनवासी ने सोमवार को खंड विकास अधिकारी अरविंद यादव को लिखित प्रार्थना पत्र देकर भुगतान करने का मांग किया है। ग्राम प्रधान ने बताया कि पंचायत भवन बनवाने में करीब 5 से 6 लाख रुपया लग गया है, जिसमें 1 रुपया भी भुगतान नहीं हुआ है और मामला न्यायालय में चला गया, जिससे भुगतान न होने पर भट्टा मालिक, मेटेरियल्स दुकानदार व मिस्त्री बेइज्जत कर रहे हैं और पैसे के लिए मेरे साथ कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी। पंचायत भवन का मामला न्यायालय में है विचाराधीन। ग्राम प्रधान ने शिकायती पत्र में कहा कि हुजूर, मैं भूमिहीन मजदूर अनुसूचित जाति का मुसहर ग्राम प्रधान हूँ। ग्राम प्रधान ने कहा कि तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी धमकी देते हुए कहा था कि 14 अक्टूबर 2021 तक किसी सूरत में पंचायत भवन बन जाना चाहिए। मेरा गुनाह इतना ही है कि मैं पंचायत भवन लिंट से भी आगे बनवा दिया और बदले में मुझे अब धमकी और बेइज्जती मिल रही है। ग्राम प्रधान ने कहा कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करंदा के मैनेजर ब्रजेश सिंह ने उक्त जमीन होने का वादा न्यायालय में दाखिल कर दिया है, लेकिन पूरा साक्ष्य सहित अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई थी। अरविंद यादव, खंड विकास अधिकारी करंदा गाजीपुर, बहुत जल्द समस्या का निदान किया जाएगा। जटिल समस्या यह है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। देखिए, हमारा नाम राजेश बनवासी है और हम जो है कि ग्राम पंचायत करंदा के ग्राम प्रधान है। क्या समस्या है? देखिए, समस्या यह है कि पंचायत भवन बनवाने को लेकर के ब्लॉक के अधिकारियों ने दबाव डाला और लोगों ने कहा कि भाई 15 अक्टूबर 2021 से पहले पंचायत भवन बनवाकर तैयार करवा दीजिए, नहीं तो फिर आपके गांव में कोई विकास कार्य नहीं होगा। इस तरह का लोग धमकी दिए, दबाव बनाए और बिना पैसा भुगतान किए ही ये ब्लॉक के अधिकारी अपने मुताबिक तय समय से पहले ये पंचायत भवन की 11 फुट ऊंची 4 रूम वाली दीवार जो है तैयार करवा दी। इसके बाद भी आज तक पेमेंट नहीं हुआ और इसके बाद पैसा के अभाव में दुकानदारों ने सामग्रियां देना बंद कर दिए और इसी बीच मौका पाकर के ये उत्तर माध्यमिक विद्यालय करंदा के मैनेजर ब्रजेश कुमार सिंह, इनका घर लखनचंदपुर है, वो जो है कि इस जमीन को स्कूल के नाम की जमीन बता करके न्यायालय श्रीमान सिविल जज सीनियर डिवीजन दीवानी गाजीपुर में वाद दाखिल किए और 15 दिसंबर 2021 को इस पर स्थगन आदेश जारी करा दिया गया। तब से लेकर आज तक यह पंचायत भवन उसी तरह से रुका हुआ है। इस परिप्रेक्ष्य में हमने जो है कि गाजीपुर में डीपीआरओ साहब के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ, ब्लॉक में एडीओ पंचायत से लेकर के खंड विकास अधिकारी तक लगातार इस समस्या का निदान और कराए गए कार्य का भुगतान की बात को लेकर के बार बार जो है कि प्रयास करता रहा, लेकिन आज तक न्याय नहीं मिला। अब जो है कि पैसा के लिए ये जो मिस्त्री हैं, जो मजदूर हैं, भट्टा मालिक, मटेरियल दुकानदार, ये लोग जो है कि लगातार दबाव बना रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में अगर उन लोगों का भुगतान नहीं किया गया तो हमारे साथ वो लोग कुछ भी कर सकते हैं और जिसकी जिम्मेवारी जो है कि ब्लॉक से लेकर के जिला के अधिकारियों की रहेगी।